चौटाला गांव के नागरिक हॉस्पिटल में पांचवें दिन भी आंदोलन रहा जारी। जनप्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में जुटे ग्रामीण। तहसीलदार भुवनेश कुमार को स्वास्थ्य मंत्री मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया ज्ञापन। बुधवार 7 दिसंबर को जुटेंगे हजारों ग्रामीण। संघर्ष और होगा तीज। चौटाला गांव के कम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज लगातार पांचवें दिन भी आंदोलन जारी रहा। संघर्ष नेताओं की चेतावनी के अनुसार आज आसपास के गांव के सरपंचों पंचों और सभी जनप्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण धरना स्थल पर जुटे हैं। आंदोलनकारियों का नेतृत्व कर रहे राकेश फगोड़िया, प्रेम सुख गोदारा, नथुराम भरुखड़ा ने कहा कि दोपहर करीब 12 बजे ग्रामीणों के बीच तहसीलदार भुवनेश कुमार पहुंचे थे। संघर्षरत ग्रामीणों ने तहसीलदार को एक मांग से अवगत करवाया कि उसके बाद तहसीलदार ने बताया कि नागरिक हॉस्पिटल का पूर्ण स्टाफ एक बार अस्थायी तौर पर नियुक्त करने की सिफारिश कर दी गई है। SMO कुलविंदर कौर का यहां से तबादला करने की सिफारिश कर दी गई है। जल्दी ही स्थायी तौर पर डॉक्टरों की नियुक्ति करेंगे। अब डवाली से मरीज सीधा बठिंडा एम्स रेफर होंगे। इसके बाद इलाके के लोगों को कुछ हद तक राहत मिलेगी। ग्रामीणों ने कहा कि डॉक्टर कुलविंदर कौर ने सैकड़ों लोगों के बीच में कहा कि वह क्षमा प्रार्थी है, अब भविष्य में कभी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए ग्रामीण कुलविंदर कौर के व्यवहार से संतुष्ट हैं। किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं चाहते, लेकिन ग्रामीणों ने अस्थायी तौर पर नियुक्ति के लिए स्पष्ट मना करते हुए कहा कि बाल रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, चिकित्सक जब तक तैनाती नहीं होगी हमारा आंदोलन जारी रहेगा। संघर्षरत ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपे। ज्ञापन में स्पष्ट शब्दों में लिखा गया कि जब तक दोनों डॉक्टरों की स्वास्थ्य केंद्र में तैनाती नहीं होगी तब तक डिलीवरी करवाना यहां संभव नहीं हो सकता। बच्चों के इलाज के लिए उन्हें पड़ोसी राज्य राजस्थान के संग्रह में जाना पड़ता है, जहां पर डॉक्टर अपने निजी स्थान में चेकअप करते हैं और हजारों रुपए गरीब किसान मजदूर के खर्च होते हैं। ज्ञापन में यह भी बताया गया कि स्वास्थ्य केंद्र को कारगर बनाने के लिए ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। जब तक सभी अव्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। ज्ञापन सौंपने के बाद तहसीलदार की मौजूदगी में सभा में आह्वान किया गया कि प्रशासन को कल तक का वक्त है। 7 दिसंबर बुधवार को सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों में पूर्व में रहे जनप्रतिनिधियों सहित हजारों की संख्या में आसपास के गांव के लोग आएंगे। अगर बुधवार को 12 बजे तक कोई ठोस आश्वासन या स्थायी समाधान नहीं हुआ तो निश्चित रूप से उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेवारी हरियाणा सरकार और स्थानीय प्रशासन की होगी। जहां पर धरनास्थल पर भारूखड़ा गांव की नव निर्वाचित सरपंच पिंकी देवी, ब्लॉक समिति सदस्य नरेश भारूखड़ा, वार्ड पंच रवि भारूखड़ा सहित तमाम बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, तेज, हरियाणा, चौटाला। तो एक बार इन्हें भी यहाँ बोलने लग रहा सम्माननीय अपने नागरिक की अस्थान लगा कि मेरे ऊपर ही कहे कि है भी पूर्व रात के रहे हैं। देखो मैं तो पुरानी हूँ, अच्छा चुटान लगे मेरी सारी नौकरी है, सारे सारे संगठन गिरे ना गए, सारे नथा ही है। तो दुर्भाग यह कोनी हो मेरे पर ये बात हो कि परमारी है बता ही दियो ना, समझ आ गया बेटे ने तेरा किस बेटन ने कि मेरे कम की पावर तो है की मांग करनी है खरीद करनी है, वो पावर तो तुम और कम दे रखी है। अभी आज कुछ स्टाफ है अपनो एच के आर एन है लोकल जगह भी अभी भर्ती हो रहे हैं, नहीं है डॉक्टर है, मैंने ट्रेनिंग देनी है, मैं हाजिरी है के काम करने लग रहे हैं के दुर्व्यवहार करने लग रहे हैं। बात चीज सिर्फ देखनी है, अब घर में भी जो स्टाफर हो गए तो मैं किया है आप भी संभाला वो चीज मेरे कन है वो मैं कितनी कर सकूं वो करूं। मैं पिंकी देवी सरपंच ग्राम पंचायत भारूखेड़ा से, यही कि चौटाला हॉस्पिटल में बच्चों के डॉक्टर नहीं है, डिलीवरी डॉक्टर नहीं है, इसीलिए जब तक ये दोनों डॉक्टर यहाँ नहीं होते तब तक हमारा आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। और परसों बुधवार को हम ग्राम पंचायत भारूखेड़ा से हजारों लोगों को लेकर ये आंदोलन ऐसे ही चलाएंगे। 5 दिसंबर को हम एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है, उसके बाद अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो उसका शासन और प्रशासन जिम्मेवार होगा। और मैं जितने भी इस हॉस्पिटल के एंडर में 14 या 15 गांव आते हैं, मैं उन सभी से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 5 दिसंबर को हमारे नागरिक अस्पताल चौटाला में पहुंचें और इस आंदोलन को मजबूत करें, हमारी मांगों को पूरी करवाने के लिए हमारा साथ दें। जय भीम, जय हिंद। मांगे वही हैं कि जो शिशुओं की मृत्यु हुई है और माताओं को इतना कष्ट भुगतना पड़ा है उसकी 5 सदस्यीय कमेटी जाँच करे और वो रिपोर्ट सार्वजनिक करे और उनके परिवार को संतुष्ट करें। दूसरी, या स्त्री रोग विशेषज्ञ और बाल रोग विशेषज्ञ का प्रबंध करें। आज धरने का 5वां दिन था, कल का एक दिन का समय और दिया गया है, परसों यानी बुधवार को हम इसको और तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। आज भी लगभग 500 से ज़्यादा लोग जो इसमें जनप्रतिनिधि थे, सभी पार्टियों के, सभी दलों के, वो आए हुए थे और अब आगे इस आंदोलन को बड़े स्तर पर बढ़ाया जाएगा। चौटाला कम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विगत 1 दिसंबर से
और आज लगातार पांचवें दिन जो चौटाला कम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 3 नवजात शिशुओं की प्रसव के दौरान मृत्यु हुई थी उनकी निष्पक्ष जांच एवं यहाँ बाल रोग विशेषज्ञ स्त्री रोग विशेषज्ञ 2 डॉक्टर लगाने सहित सभी अव्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की मांग को लेकर लगातार पांचवें दिन यह आंदोलन जारी है। पहले दिन तहसीलदार जी आए थे, नायब तहसीलदार ओमवीर जी, उनको हमने इन मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा था और उन्होंने आश्वस्त भी किया था, लेकिन उसके बाद और आज तक स्वास्थ्य विभाग का कोई भी वरिष्ठ अधिकारी ग्रामीणों के बीच संवाद करने के लिए नहीं पहुँचा। आज हमारा ये अल्टीमेटम था कि चौटाला गांव के साथ साथ आसपास के गांव के सभी जनप्रतिनिधि नव निर्वाचित साथी यहाँ उपस्थित रहेंगे। आज यहाँ तमाम हमारे गांव के माननीय पूर्व सरपंच आत्माराम जी छिंपा और आशाखेड़ा से भादराम जी सिंगाठिया, बारूखेड़ा से बहन पिंकी सहित तमाम साथी नरेश बारूखेड़ा, तमाम जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं। गांव के सभी पंच और सरपंच यहाँ सारे साथी उपस्थित हैं और हजारों की संख्या में आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ ग्रामीण। आज यहाँ तहसीलदार जी आए थे, उनको हमने इन मांगों से अवगत करवा दिया और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि डबवाली उपमंडलाधीश अधिकारी ने सिरसा डीसी को एक लेटर लिखा, उसमें सिरसा डीसी ने ये कहा है कि दोनों डॉक्टरों सहित यहाँ जो स्टाफ है उसकी जब तक स्थायी तौर पर तैनाती नहीं होती तब तक अस्थायी तौर पर यहाँ नियुक्त करेंगे, लेकिन हमने स्पष्ट शब्दों में कहा है स्थायी तौर पर हम यहाँ नियुक्त, जब तक स्थायी तौर पर तैनाती नहीं होती तब तक अस्थायी तौर पर यहाँ नियुक्त करेंगे, लेकिन हमने स्पष्ट शब्दों में कहा है स्थायी तौर पर हम यहाँ नियुक्ति चाहते हैं, दोनों डॉक्टर जब तक यहाँ नहीं लगेंगे, निष्पक्ष इसकी जाँच नहीं होगी तब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। एक इन्होंने कहा है कि अब कोई भी एक्सीडेंट का आपातकाल का मरीज या कोई गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला उसको डबवाली से सिरसा अग्रवा या रोहतक भेजने की बजाय यहाँ से डबवाली से सिरसा बठिंडा एम्स भेजेंगे और एम्बुलेंस सेवा फ्री रखी जाएगी। उसमें भी हमारा ये कहना है कि चौटाला से भी जब डबवाली स्वास्थ्य केंद्र में कोई सुविधाएँ नहीं है तो यहाँ से चौटाला से सीधा वो मरीज जाना चाहिए बठिंडा एम्स में और एम्बुलेंस सेवा बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। ये सीधी सीधी सी हमारी मांगे हैं साहब, जब तक इन मांगों को नहीं माना जाएगा आंदोलन हमारा जारी रहेगा। आज तहसीलदार जी की मौजूदगी में हमने ये चेतावनी दी है कि परसों बुधवार को बड़ी संख्या में हजारों हजार यहाँ किसान मजदूर नौजवान माताएँ बहनें सभी विचारधाराओं के लोग यहाँ उपस्थित होंगे और जो सामूहिक फैसला हमारा होगा उसी प्रकार निश्चित रूप से उग्र आंदोलन करेंगे। जब तक जायज मांगों को नहीं माना जाएगा ये लड़ाई जारी रखेंगे।